आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड गाइस हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो आप लोग सोच रहे हो कि सुबह सुबह हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम में भी सुबह के 12 बज रहे हैं, 11 समथिंग हम लोग घर से निकले थे 11:30 करीब। और गाइस आज था हमारा इवेंट, तो हम उसमें जा रहे हैं और आज इवेंट में हम ऐसे जा रहे हैं गाइस, देखो लोअर टी शर्ट में, और ये मैम भी ऐसे ही जा रही है, क्योंकि गाइस हम ना वहाँ जाके ही रेडी होंगे। और सुबह थोड़ा काम था वो बट हो नहीं पाया, तो उसकी वजह से पहले हमारा कुछ और प्लान था, फिर कुछ और प्लान अब हो गया, तो हम लोगों ने अपने आउटफिट्स एंड ऑल सब पीछे रख लिया और हमने कहा चलो वहाँ जाके रेडी हो जाते हैं। तो टाइमली हम लोग निकल गए घर से, बहुत जाए देखो किसी इवेंट में जल्दी तो हम कभी ज़िंदगी में नहीं जा पाएंगे, ये मुझे लगता है ऐसा, बहुत कोशिश करें तब भी मतलब नहीं हो पाएगा। तो आज कमल भैया, मैं और प्रेरणा, हम तीनों जा रहे हैं इवेंट में, और हमने अपने आउटफिट आज के लिए बहुत अच्छे अच्छे से लिए थे, थोड़े हमने सोचा कुछ हैवी वेयर करेंगे आज, प्रेरणा लहंगा पहनने वाली है गाइस, और इसकी और इवेंट के बाद शादी में भी जाएगी, कोई दिख जाएगी तो 8-9 हज़ार का और 8-9 हज़ार का है, 9 हज़ार का है, मेरी तो सिंपल ड्रेस उससे महंगी है, फिर सिंपल नहीं है ना यार, वो पूरी हैंडवर्क की है, उसके 13 समथिंग रेंज दिखी है। तो मैंने तो एक कॉर्ड सेट टाइप होता है ना पूरा हैवी बट बहुत प्यारा सा कॉर्ड सेट, डिजाइन है। और गाइस देखो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दी मेहंदी का फुल डिज़ाइन दिखा दो यार, वो रील्स पे बोल रहे हो आप लोग, पर मैं सब आके ब्लॉग में बताती हूँ, मैं बहुत ख़राब हूँ गाइस, तो ये मैं स्टोरी अपडेट कर देती हूँ ना, तो आप लोग देख लिया करो। तो अभी बस पहुँचने वाले हैं, आज भी हमें जाना है गाजियाबाद, गई सारे इवेंट गाजियाबाद ही होते हैं, और अब तो ऐसा हो गया कि विदाउट मैप भी पहुँच ही जाते हैं हम लोग, याद ऐसा हो गया। तो चले चलते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से, आज इवेंट में मस्ती करेंगे, बहुत सारे इवेंट दिखाएंगे आप लोगों को, घर चलेंगे। सुबह नोना हमारे पीछे पड़ गई, तो उसको बहुत हमें वो हम कहीं निकल रहे होते तो उसे दिख जाता है, हमारी मम्मी कहीं जा रहे हैं, तो वो फिर हमारे पीछे पीछे घूम रहे, हमने सोचा ना हम कहीं नहीं जा रहे आप घर, फिर और फिर अभी गोलू भी घर आया हुआ है तो वो उनके साथ लग जाती है पूरा दिन, और गोलू से तो वो काफ़ी अटैच्ड है, जानती थी वज़ीराबाद में भी, तो वो वहाँ खेलती रहती है गोलू के साथ। तो चले चलते आप लोगों से पहुँच के, गाइस हम पहुँच गए थे इवेंट की लोकेशन पर, और उसके बाद हम दोनों हो रहे थे सिस्टर्स रेडी, और इसने लहंगा पहना, मेरा लहंगा पहनने का मन नहीं था, तो मैंने ये आउटफिट लिया था अपने लिए, कॉर्ड सेट देखो, और हम दोनों ये ड्रेसेस, हाँ मतलब ऐसा सेम ग्रीन कलर का पहन लेते, हाँ मैंने इसे बोला कि दोनों सिमिलर पहन लेते हैं, पर नहीं इसने नहीं पहना, और मैंने ब्लू लेंस लगाया, और गाइस ये ड्रेस ना देखो बहुत सुंदर, मैं आपको दिखाऊँ, देखो बहुत सुंदर काम हो रखा है इस पर, और बस अब इसका मेकअप पूरा है, फिर मेरा मेकअप, आज हम बहुत लिमिटेड सा मेकअप करवा रहे हैं, एंड इसने आज लहंगा वेयर करना, वेट गाइस मैं आपको दिखा रही थी अपना आउटफिट, तो यार ये बहुत सुंदर आउटफिट है, एंड अभी इसका मेकअप हो जाए फिर मेरा मेकअप करेंगे, और क्योंकि ना इसने लहंगा वेयर करना था तो ये कह रही आरुषि दीदी से मेकअप कराएंगे, एंड आरुषि दीदी की भी चाहत थी तो कर लिया। और आज का इवेंट है मोहित का एंड खुशी बाल्यान का, बहुत ही अमेजिंग सा सॉन्ग है, हम रस्ते में सुनते हुए आए हैं, दम दम करके नाची रहे, टिंग टिंग टिंग। आरुषि दीदी आपके क्या हाल है, चालू ही नहीं हो रहे मेरे, तो गाइस फाइनली हम तीनों हो गए रेडी, और कद्दू दीदी आ गई थी हमारे पास ऊपर, और तीनों रेडी हो गए, अब चल रहे हैं इवेंट में, सामान लेकर, मैं स्नैपचैट देख के समझ गई थी तेरे साथ। सो गाइस यहां कर रहे हैं वीडियो शूट एंड अब चलते हैं फाइनली, रुकिए रुकिए, मोहित एंड खुशी, आज आज तो बाहर लेने भी नहीं आया भैया, बहुत बिगड़ गया आज तो, नहीं आज तो बोल गए मोहित सर, मोहित रील बना लोगे ना साथ में, देखो थोड़ी सी रील बना लोगे, और इससे हम दोबारा करवाएंगे देखने के लिए, आज लड़की आई है, तुम लोग हाँ हाँ करवाओ करवाओ करवाओ, हमें देखनी है, बाय कन्नू दीदी। ऐसे सब हम ना पहले अंदर आ गए थे, थोड़ा स्टार्टर वगैरह खा ले, ये देखो टुकू की मम्मी को देखो, देखो गाइस देखो, हाँ जी ओके, एक मिनट गाइस, जो यहाँ पे आ रहे हैं ना ऐसे आप लोग कर रहे थे, देखो बीबी कर
बनवा पाओगे ना हम बना पाएंगे, है ना गाइस? खुशी को प्ले करो प्लीज आप लोग। पानी दिलवाओ पागल नहीं थे आप लोग, बीच में जा रहे हो गुस्से में, गलत बात है यार। रो जो यहां के सारे बच्चे सब हट। अरे हम सारे इवेंट में इतनी वीडियो शूट करिए और अब हम आ गए यहाँ पे, थोड़ा बाहर घूम रहे थे, वो साउंड से ना बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो जाता है, तो अभी हम जा रहे हैं जस्ट खाना खाने। तो इससे पहले थोड़ा सा यहाँ घूम रहे थे सारे। सो गाइज यहाँ पे बैठ के हम कुछ गॉसिप्स कर रहे थे। अभी रुक जा कन्नू दीदी, खुशी क्या कह रही है, अभी क्या पहन के आई हो? पसंद नहीं निर्म, अब कभी दिखा करूंगी बेटा, सेलिब्रिटी बन गई ना हम लोग, मैं इवेंट में करूंगी, काहे नहीं रखता ये पाकिस्तान जा रही है। चल रहे हैं घर, चलो भाई जल्दी घर आना, आऊंगा मैं पक्का। मैं ये मैंने सुन लिया गाइस, मम्मी को सुना दूंगी और अब कि और गाइस आज हमने खाना नहीं खाया, मन नहीं कर रहा, सीधा बाहर चल रहे हैं घर। आज तो गाइस फिल्म में आ रहा था ये, क्योंकि ये इसका सॉन्ग था भाई। आज इतना इतरा, अगले इवेंट में बताएंगे। इतना इतराया बन रहा अपने आप को हीरो। और आज डुगू के पापा सबके लिए बिरयानी लाए थे, देखो कंटेनर में बांटने के लिए। एक ही थी, दो थी, बना रहे थे बना दिया। फिर देख लेंगे इवेंट वाले कि यार भूखे जा रहे थे बिरयानी खा रहे। गाइस नहीं आज हमने ना जल्दी में खाना नहीं खाया। हाँ मतलब हम लोग थोड़ा इवेंट में लेट हो गए थे। ये वाली इवेंट कंपनी ना बहुत अच्छी है, मतलब हमारी सारी कंपनीज अच्छी है, बट बहुत मजा आया, बहुत फन किया हमने। तो चले हम चलते हैं घर, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो भाई मैं बिरयानी खा लूँ तो। और हमें लग रही थी काफी ज्यादा भूख, तो हमने रास्ते में अपने लिए ऑर्डर कर लिया था जोमेटो से। और मतलब आज हम ना इवेंट में बहुत बिजी थे, तो हम वीडियोस वगैरह एंजॉय कर रहे थे, हम ना खा नहीं पाए कुछ खाना पीना, स्नैक्स वगैरह भी खाए थे। तो अब हमने ये ऑर्डर करा है, ये खाते हैं तीनों हम जने, और फिर मिलते हैं गाइस आप लोगों से खा पी के। बाय बाय। हम लोग आ चुके हैं घर। नोनी इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी। नाइट ड्रेस आपको, नाइट ड्रेस चाहिए, दिखाओ नाइट ड्रेस कौन सी है, दिखाओ आपकी नाइट ड्रेस है। नहीं दिलाऊंगी, इधर आओ। मैं नहीं आ रही, मैं तो जा रही हूँ चेंज करने। मैं तो नोना के झूले पे झूला झूल रही हूँ, झूलू झूलू मेरे पिल्लू, मेरे पिल्लू तू झूले। सारे हो गए हैं रेडी, और गोलू अभी आपको पता है दो दिन से आया हुआ है यहाँ पे। चलो कमल भैया पकड़ो ना नोना को। और गाइज हम सारे जा रहे हैं गुरुद्वारे, बिकॉज आज है सैटरडे। तो गोलू और अंशु जा रहे हैं, मम्मी और मैं जा रहे हैं, और नोना जा रहे हैं, प्रेरणा अकेली रह गई घर पे। हम उसे बोल रहे हैं चल, पर वो नहीं चल रही, तो हम उसे छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे ही वो घर समेट लेगी, मम्मी चलो ना घर समेट लेगी बहन अकेली। गाइज देखो मैं नहा भी ली, मैं पूरे गेटअप भी चेंज कर लिया गुरुद्वारे से। दीदी अभी तक ऐसी की ऐसी लेटी हुई है, क्यों दीदी? गन गड़बड़ साफ कर लियो, ठीक है चलो भाई चलते हैं। हम लोग तो आ गए हैं गुरुद्वारे से होके। क्या चिजी खाने चले? अभी चलते हैं। और गाइस पहले तो हम लोग यहीं से आते थे तो इजी रहता था, अभी वहाँ से आना बहुत दूर पड़ता है, बट फिर भी सैटरडे हम लोगों को गुरुद्वारे आना ही होता है। कोई हम लोग घर पे जैसे कभी कभार होता है हम लोग मिस कर देते हैं आना, बट मम्मी और नोना का तो रेगुलर है जब सैटरडे आना होता है। नोना क्या खा रहे हो प्यारी गुड़िया? बाबा जी ने दिया है, खा लो फिर, बाबा जी ने दिया, बाबा जी ने आपको प्रसाद दिया है ना खा लो। तो चले गाइस अब अंशु और गोलू पता नहीं कहाँ गए हैं दोनों, उन्हें देखते हैं अभी फिर चलते हैं। देखिए पापा आए हैं और आदित्य ब्रो आए हैं, क्योंकि आदित्य ब्रो भी हमारे साथ चल रहे घर पर। गाइस मैं मिलके आती हूँ पापा से एक बार। मेरे स्लिपर्स कहाँ डालती हूँ, कितनी खुश हो रही है वो, इसको देखो अंशु से पापा से मिलवा दे एक बार छोटी को। मम्मी आदित्य कहाँ रह गया, आदित्य कहाँ रह गया, चले गए मेरे भाई। वो
देखो गाइस कैसे बोल रही हूँ। गाइस हम घर जा रहे थे तो हमने कहा यहाँ से पार्सल ले लेंगे, आदित्य ब्रो को ले लेंगे और चल लेंगे। पापा सब्जी वब्जी लेके आए हैं। बहुत खुश हो जाती है, यहाँ पटाखे फूट रहे हैं। नोना बम फूट रहे हैं, वो दे दो। पापा को कह रही पापा आप बहुत अच्छी हो। चलो भाई बैठो, आदित्य बैठ ना। बाय पापा। ओके क्या आदित्य तो अभी चल रहा है गाइस, मैं बैठी हूँ गोद में, आदित्य चल रहा है पीछे वाले। गोलू कुछ हो रहा है, आप खुद चले जाओ, तू दिख नहीं रहा गोलू, तो देख तू कुछ बोल भी मत। चलो भाई झुकेगा नहीं साला, ताऊ के हैं वापस घर। और अब खाना हम लोग वहीं से ले आए थे बाहर से, सो खाना खाएंगे। मम्मी ने वैसे बना भी रखा है पनीर की सब्जी और रोटी, और थोड़ा हम लोग ले भी आए थे बाहर से। तो चलें अब खाना पीना खाते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। नोनू नोनू तो कब का उठा हुआ है, आज मासी लेट उठी है, पर क्योंकि मासी की थोड़ी सी तबीयत खराब है गाइस। पता है क्या यार, रात से मुझे कुछ तेज फीवर हो रहा था और इतनी तेज कोल्ड हुआ पड़ा है, और आज तो घर में तूफान मचा पड़ा है क्योंकि सारे बच्चे यही है, गोलू यही है, कोमल यही है, और किशु है, अंशु है, नोना है, हम फ्रेंड और मैं है। और अभी तो यार इतनी तेज़ कोल्ड हो रहा है, पूरी रात में इतनी मुश्किल से सोई हूँ, मेरे को कोल्ड में सोया नहीं जाता। एक तो नाक ऐसे बहती रहती है, फिर सोने को ही टाइम नहीं करता ना मन करता। बट मैं आज उठी भी सबसे लेट हूँ, इनफैक्ट मैं सब उठ गए थे, मम्मी ने मुझे बोला आज तो 1:12 बज गए भाई, उठ जा कब उठेगी। मैंने कहा मेरा मन ही नहीं, आज मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उठने का, मेरा मन था मैं सोती रहूँ। ऊपर से कुछ कुछ चीज़ों को लेके दिमाग ख़राब रहता है, टेंशन रहती है। नहीं अभी नोना मेरे पैर पे इतना कुछ लिख के चली गई, अभी है। और गाइस पता है क्या यार, मेरे फेस पे इतने सारे पिंपल्स हो रहे हैं, इनमें इतना दर्द रह रहा है यार, कोई देसी नुस्खा ढूंढूंगी मैं इसका यूट्यूब पे, और फिर वो अप्लाई। वेयर इज द पिंपल्स, बहुत दर्द हो रहा है इसमें, तो स्मॉल। और होते हैं ऐसे करने से। तो अब चलें गाइस, हाय करो ना, क्या हो, चलो उठ जाओ, सुबह हो गई ना। देखो नहीं मैं क्या, अरे मैं तो जा रही हूँ, तुम तो ना हो मैं। और चलें गाइस इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का एंड, आपसे मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। वैसे सारा काम ऑलमोस्ट क्या हो ही गया है, बाकी सब अब नहाने वाने पे लग रहे हैं, बच्चे सारे घर पे, मन लग जाता है यार। और धम बाय, मिलेंगे न्यू वीडियो में, एंजॉय करें ये ब्लॉग। इवेंट में ऐसे हमने कल बहुत मस्ती करी यार, बहुत मज़ा आया कि इतने सारे सब्सक्राइबर्स होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं और फिर इतने मज़े करते हैं वीडियोस फोटोज, तो मज़ा आ जाता है पूरे दिन, मतलब कैसे निकल जाता है पता नहीं लगता। तो चलें करते हैं ब्लॉग का एंड, आपसे मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। लाइक शेयर कॉमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बताते रहें आप लोगों के हाल चाल कैसे हैं। बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, थैंक यू, मदम धाम।